सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं एक कम्युनिटी चलाता हूं जो एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से मैं ऑप्शन चेन देख के और मार्केट में हमने अभी एक एंट्री पॉइंट बना रखा है। ठीक है, एंट्री पॉइंट क्या है बता देता हूं आपको। अभी हमने एक कॉल में एंट्री की है, चूंकि मार्केट में सुबह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस में है, तो बिल्कुल हमने बॉटम पे एक ट्रेड पकड़ी है। वो पकड़ी हमने 70 से। ठीक है, हमने 70 से कॉल का ट्रेड लिया है और इसको हम टारगेट बुक करेंगे अगर एसओसी जहां तक है वहां तक। अभी एसओसी 132 तक, तो मैं यहां तक का टारगेट बुक करूंगा इसके अंदर। ठीक है, अगर एसओसी के अंदर मार्केट बाद में कहीं जाके अगर 83 यानी कि 0.50 पे हो जाती है समय के अनुसार, तो फिर मुझे यहाँ टारगेट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, स्टॉप लॉस है ही नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे फिसल सकता है तो 935-40 तक फिसल सकता है। उसका रीजन होता है कि वो कई बार ऐसा कट जाता है, तो वहां से मैं एवरेज कर लूंगा, एवरेज कर लूंगा। लेकिन ये वाला ट्रेड मुझे थोड़ी देर के लिए जरूर परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अचानक ओआई, जो मैं अभी भी पहले लाइव मार्केट में बैठा हूँ और अपने कम्युनिटी के साथ बैठा हूँ, तब मैंने पहले कह दिया था एकदम से ओआई ड्रॉप करेगा और मार्केट आपके टारगेट जहाँ एंट्री पॉइंट है वहां तक जाएगा, लेकिन एकदम से वापस पलटेगा नहीं, एकदम से पलटेगा भी नहीं। यानी कि कई बार ऐसे होते हैं मार्केट तुरंत पलट जाता है, तो मैंने मना कर दिया था। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आराम से तसल्ली से रुक के ले सकते हो, क्यों मार्केट आपको मौका देगा, आपका टाइम वैल्यू को खाएगा यहाँ पे और थीटा डीके करेगा। ये हमने पहले डिस्कस कर दिया था और हो सकता है मार्केट उस पॉइंट पे काफी देर घूमता रहे, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस WTB होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में मार्केट 930-935 से नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन मैंने एक एंट्री ले रखी है, अगर वहां पे जाएगा तो मैं एवरेज कर लूंगा। ठीक है, मुझे एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि वही मार्केट रिएक्ट होकर वापस आ जाएगा। और अगर कोई पुराने व्यक्ति हैं जिनके पास में उनको पैसा लगा के ध्यान है, ये काम भी कर लेना चाहिए उनके लिए, लेकिन नए व्यक्तियों को यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए, मार्केट अपने आप पलट के आ जाएगा। और अगर कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ तो भी मार्केट आपको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की ताकत रखता है ये मार्केट, इसलिए एंट्री मेरे लिए सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो ऑलरेडी कुछ लोग प्रॉफिट बना चुके हैं, कुछ को एक हमने ट्रेड बहुत रिस्की ट्रेड लिया था, आया मार्केट हमारे फेवर में ही है, लेकिन वहां पे हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उस वक्त मार्केट टॉप पे खड़ा था, हमने एक पुट की एंट्री बनाई थी, तो वहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने लिया था, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 के अगेंस्ट हमने ट्रेड कर डाली थी। लेकिन उस वक्त वो टारगेट हमने 70-75 पे एक पुट का एंट्री बनाई, बट उस वक्त 90 पे जाके मार्केट ने हमारा SL हिट कर दिया। लेकिन मार्केट अब हमारे डायरेक्शन में आया, कोई बात नहीं, वहां पे हमने ले लिया। लेकिन अब हमने नेक्स्ट एंट्री बनाई है जिसके अंदर हमको मार्केट इसी तरीके से छकाता है, डराता है, परेशान करता है। ये हमने लाइंस बना रखी है, ये हमने लाइंस बना रखी है यहाँ पे। देखिए सुबह से यही कहानी चल रही है, हमने जो ट्रेड बनाई उसमें ऐसा हुआ कि हमको SL तो हिट हुआ, लेकिन SL हिट हो जाता है क्योंकि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट चले थे उस वक्त। यहाँ पे हमने अगेंस्ट ट्रेड ली थी, इसी जगह हमने यहाँ पे एक पुट की एंट्री ली थी इस जगह पे जाके, इस कैंडल पे। लेकिन ये एक कैंडल ऊपर गई, उसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे 90 के आसपास, तो 91 पे गया, हमने 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था उस वक्त। लेकिन चूंकि सिर्फ एक पॉइंट से ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट हमारे ही फेवर में जमने, लेकिन वो कोई बात नहीं। उसके बाद में अभी अभी हमने इस लाइन से, जो ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ से हमने कॉल की एंट्री ली है। ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने काफी देर पहले से अपने ग्रुप में बना रखी है, और अगर एवरेज करना है तो मैंने नीचे ब्लैक कलर की लाइन बना रखी है। अगर गलती से कोई मार्केट बहुत देर रुकने के बावजूद यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से एवरेज कर लेंगे, और अगर कोई सिनेरियो बदलने की संभावना तो दिख रही नहीं है, और मार्केट में एसओसी हो सकता है। एसओसी के अंदर भी मार्केट को जाना अपने टॉप की तरफ है, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाना है, देख लेगा मार्केट को जाना ऊपर है। अब ऊपर जाना है तो मार्केट का वे अब ये है। ऐसे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं LTP कैलकुलेटर की, जो हमने रिसर्च पे रिसर्च की है, हमारे ग्रुप ने भी की और हम लोग मैंने भी की है, तो मार्केट में ये कहानी बन रही है, सीधी सी बात है, मार्केट में ये कहानी बन रही है, कम से कम ये वाली तो ये कहानी बन रही है। तो मार्केट अपने यहां तक जाने की संभावनाएं रखता है, जो हमको कहां दिख रही है हमारे LTP कैलकुलेटर पे, कि इसको मार्केट को 125-30 तक जाना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है। मार्केट की जो डेफिनेशन है, हमने मार्केट की डेफिनेशन को मान के, क्योंकि ये हमेशा काम करता है 99% टाइम LTP कैलकुलेटर डॉट टू डॉट काम करता है। थोड़ी देर परेशान करने के लिए मार्केट यहाँ पे अटका हुआ रहता है ताकि लोग हेजिटेशन होकर निकल जाएं, लेकिन जाना उधर ही है मार्केट। अब जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, चूंकि मार्केट मुझे यहाँ घबरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे रहना। 132 मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो मार्केट में ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरे एंट्री पॉइंट मिला है, मुझे यहाँ से एंट्री मिली है, ये यहाँ पे मैं एवरेज करूंगा। अगर मार्केट गलती से यहाँ आ गया तो एवरेज करूंगा, और अगर जिस व्यक्ति को डर लगता है यहाँ से एंट्री से,
तो मैंने उनके लिए ये रहता है कि ठीक है भैया, या तो आपकी एंट्री निकल जाएगी या आप यहाँ से एवरेज कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक आने की संभावना है काफी कम है। लेकिन फिर भी हमेशा मैं मार्केट में डायनेमिक मानता हूँ, मार्केट को मैं चाहे कितनी ही परफेक्ट वैल्यू हो, मैं हमेशा यहाँ पे मार्केट में एक एक्स्ट्रा लाइन रखता हूँ, और ये एलटीपी कैलकुलेटर भी बताता है। और मैंने पहले ही बता दिया मार्केट यहाँ पे परेशान करेगा, एंट्री पॉइंट से पहले ही मैंने बता दिया था मार्केट परेशान करेगा। अगर कमजोर दिल है, एलटीपी की पूरी परिभाषा को समझते नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे भी आता है। उसका कारण है खाली मैं वॉल्यूम की वजह से नहीं देखता, या उसको मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूँ कि वहां पे आपको सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, लेकिन मैं वहां पे ओआई और ओआई चेंज को भी प्रेडिक्शन करता हूँ। उसके आधार पे मैं उस ट्रेड को यहां से मानता हूँ, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है मार्केट में, एंट्री पॉइंट यही चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे 36,000 है, इसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे आ सकता है, 42, 43, 46 के आसपास, है ना। तो यहां से एक एंट्री बनती है, या तो यहां से एवरेज कीजिए, या मुझे पता है मार्केट यहां तक आ सकता है। ये यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कि हो सकता है मार्केट यहां से पलट जाए, जो डेफिनेशन के हिसाब से एलटीपी कैलकुलेटर कहता है कि अपना बॉटम यही है, लेकिन कभी कभी मार्केट यहाँ पे भी आता है। या तो एवरेज कीजिए या फिर यहां से एंट्री कीजिए। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया 65 से, तो वो आपको फिर बैठे रहिए, बस वो एंट्री निकल गई, मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। लेकिन अगर एक तरीका मैंने क्या बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, यहां से अगर मेरे पास एक सेफ ट्रेड है, ये बिल्कुल रिस्की जोन है जहां तक जा सकता है मार्केट, तो रिस्की जोन नहीं सॉरी बिल्कुल ही सेफ जोन का वेट करूं, या तो बिल्कुल ही सेफ जोन का वेट करूं, ट्रेड ना लूं, और अगर मुझमें थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि थोड़ा ही रिस्क तो लेना है, मार्केट तो पलटेगा ये तो पता है हमको, तो ये मार्केट में कहानी है। अब मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करने वाला, वेट एंड वॉच, क्योंकि मार्केट में डब्ल्यूटीबी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, न सपोर्ट की न रेजिस्टेंस। ऐसे में मैं अपना ट्रेड लेके बैठ सकता हूं, ऐसे में मैं अपना ट्रेड लेके बैठ सकता हूं। इस ट्रेड में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाय पानी पीने जाऊं, घर पे खाना खाने जाऊं, कुछ भी करने जाऊं, अगर मुझे कहीं पे WTB हो जाए मार्केट, तो ही ये मार्केट मुझे लॉस देगा, नहीं तो ये मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकता। अब ये सारी चीजें मैं क्यों पहले बता देता हूं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेड लेता है तो उसको ये डर ना रहे कि यार क्या होगा मार्केट में। रोज हम लेते हैं, अगर हम लोग 10 बार ट्रेड लेते हैं, अगर हमको एक बार अगर कोई लॉस हो भी जाता है, तो ऑलमोस्ट वो लॉस बेटर है कि उससे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी नजरें अभी पूरे डेटाबेस एनालिस्ट है, यानी कि डेटा डेटा से ले रहे हैं हम लोग कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनी है। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि 37,000 का ओआई चेंज बैठा है, यहाँ पे 36,000 का, यहाँ कंसोलिडेशन है मार्केट, यहाँ तक यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ पे 80,000 है, ऑलमोस्ट मार्केट थोड़ा बहुत इस जोन में रहेगा, 40 से लेके और 70 के बीच में मार्केट थोड़ा समय व्यतीत करेगा। ऐसे में अगर मार्केट विक्टोर बॉटम बन जाए तो उम्मीद नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो मैं वो सोच भी कैसे सकता हूँ। बस ठीक है, मुझे मार्केट में पता है कि 35-40 एक वैल्यू आ रही है, जो ब्लैक लाइन मेरी यहाँ बनी हुई है, मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए, घबराएगा, बिना आँख बंद करके सो जाइए, चाहे तकिया लेके, मैं तो साफ कहता हूँ हर मार्केट में तकिया लेके नहीं सोया जाता, हर मार्केट में सजग रहा जाता है, लेकिन इस मार्केट में तकिया लेके सो सकता हूँ मैं, टारगेट बुक करूंगा जब, और ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ, यहाँ पे तकिया लेके सो जाइए, मार्केट कुछ भी नहीं करने वाला, मार्केट आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक मिलेगा, अगर यहाँ तक वो सिचुएशन कहाँ तक, एक और सिचुएशन 0.50 तो भी मार्केट यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक वो 0.50 वाली सिचुएशन की लाइन यहाँ बना देता हूँ, अगर वहां पे गलती से मार्केट वापस उस जगह से डिक्लेयर होके विक्टर टॉप बना, तो यहाँ तक वो ये वाली भी लाइन है, ऑलमोस्ट यहाँ तक का मार्केट आपको 100% आज की डेट में मिलेगा। इसलिए ये वाला ट्रेड मेरे लिए कोई अनोखा नहीं है, और जिन्हें मैंने कहा डर लगता है ना, यहाँ पे अपना वो कहते हैं बोरिया बिस्तर भी बेच के ट्रेड ले लेना, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए तो, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना लास्ट उसके साथ में, तो मैं कहता हूँ मैं 2 नहीं 10 लॉट ट्रेड करूंगा इस जगह, जो कैंडल लास्ट बनेगी, लास्ट कैंडल बोलता हूँ हमेशा, ये लास्ट कैंडल बनेगी ना, उसके बाद अगली कैंडल आप 10 लॉट से भी ट्रेड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लेके सो जाओ उस पर। मार्केट में कोई न्यूज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईवी ओके चल रही है, वही आईवी चल रही है, तो उसके हिसाब से कोई न्यूज भी नहीं है, तो वहां पे मार्केट में ये सिचुएशन मैंने बता दी आपको। और एलटीपी कैलकुलेटर अगर सीखना है मुझसे, और अगर आप मेरे द्वारा, मेरे लिंक के द्वारा अगर कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का स्पेशल कोर्स अलग से करवा देता हूँ, बेसिक कोर्स, जो लोग एलटीपी को नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, 2999 में वन टाइम लाइफ में पेमेंट लेता हूँ, वन टाइम ओनली, और उसके बदले में मेरी क्लासे चलती है,
ऑलमोस्ट रोजाना रात को 8 बजे बाद में तकरीबन 1.5 घंटे की, कभी 8, 8:30, 8:30, वो 1.5 घंटे की रोजाना चलती है, हफ्ते में 6 दिन रूटीन आ रहा है और आज कंटिन्यू 4 महीने से दे रहा हूं। दूसरा, मैं मॉर्निंग में लाइव मार्केट करता हूँ सिर्फ, अब पहले तो मैं यूट्यूब पे ज्यादातर आ जाता था कंटिन्यू, फिर अब मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ शुक्रवार के दिन यूट्यूब पे आऊंगा, वहां पे 1-1.5 घंटे रहूंगा और बाकी टाइम मैं अपने मीट में अपने ग्रुप के साथ। उसका छोटा सा रीजन है क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब भी रहता हूँ वहां पे 1 मिनट लेट मेरी वॉइस जाती है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है कि टारगेट्स निकल जाते हैं या फिर एंट्री पॉइंट निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से ग्रुप ने कहा सर यूट्यूब पे प्लीज नहीं, आप मीट की क्लासों में डायरेक्ट रहते हैं तो एंट्री पॉइंट कई बार फास्टेज मिलते हैं तो वहां पे एकदम से तेज प्रॉफिट हो जाता है, वो पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, हमें 1 या 2 या 3 एंट्री लेते हैं, इससे ज्यादा कभी हम एंट्री भी नहीं लेते हैं, हम बस लिमिटेड ही ट्रेड करते हैं। तो अब आपको मुझे ज्वाइन करना है, मेरे बारे में जानना है, मेरे 10 वीडियो देखिए आराम से, वहां पे जाके आप संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद मुझे कॉल कर दीजिए, मेरे कॉलिंग नंबर हर जगह मौजूद है, वहां पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट में जो होने वाला है थोड़ी देर बाद में वो आपके सामने बता दूंगा, मैंने पूरा प्रेडिक्शन कर दिया है, मैं पूरा प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि क्या होने वाला है, नतीजा आपके सामने आ जाएगा।